नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल KVC स्पार्क इंडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी GK के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप उसका आंसर जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की उर्दू शायरियों को उसकी मृत्यु के बाद किस नाम से संकलित किया गया? ए सफ़र जफरनामा, बी सफ़र मुगलनामा, सी सफ़र जीवननामा और डी कुल्यात जफरनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल्यात जफरनामा। बहादुर शाह जफर उर्दू की शायरियों के बहुत अच्छे राइटर भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू शायरियों के लिए विख्यात मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी जयपुर और डी आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा। इनका जन्म 1797 में आगरा में हुआ था और ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। देखिए, बहादुर शाह जफर ने इनको दबीर उल मुल्क, नजमुद्दौला, मिर्जा नौशा जैसी उपाधियों से सम्मानित किया हुआ था। देखिए, मिर्जा गालिब आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इनकी शायरियाँ आज भी इतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी पहले थीं। आज भी बॉलीवुड की फिल्मों में इनकी शायरियों का उपयोग किया जाता है, तो मिर्जा गालिब के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनके जन्म का जो नाम था वो मिर्जा असादुल्ला बेग खान था, और ये जो शायरियाँ लिखते थे वो गालिब पेन नेम से लिखते थे, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको इसके जन्म का नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अगर ऑप्शन में चार नाम ऐसे ही दे दिए मिर्जा असदुल्ला बेग खान से संबंधित मिलते जुलते और पूछ लिया कि इनमें से कौन गालिब पेन नेम से अपनी शायरियाँ लिखता था, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जन्म का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। 1869 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, और आज भी चांदनी चौक पर इनकी गालिब की हवेली, गालिब म्यूजियम देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार करके रंगून भेजा था? ए जॉन निकोलसन, बी जॉर्ज अनसन, सी पैट्रिक ग्रांट और डी विलियम हडसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम हडसन। विलियम हडसन को आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इन्होंने अपने एक साथी के साथ 1950 के आसपास ही ब्रिटिश फौज के लिए खाकी का इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय कौन क्या था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि KVC में बार बार रिपीट होके भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनिंग, ये आप सभी जानते होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामर्सन, और ब्रिटिश शासक थे विक्टोरिया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में लखनऊ की नाकेबंदी करने वाले किस अंग्रेज अधिकारी के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया था, जिसका नाम बदलकर दिसंबर 2018 में स्वराज द्वीप रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी हैवलॉक। हेनरी हैवलॉक के नाम पर ही एक हैवलॉक नाम से एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और जिसका नाम बदल दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में दिसंबर 2018 में स्वराज द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ से मोर्चा संभाल रही थी? ए रेवाड़ी, बी ग्वालियर, सी कानपुर और डी अवध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के बाद वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ भेज दिया गया था? ए दिल्ली,
बी मुंबई, सी कलकत्ता और डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए तात्या टोपे, बी नाना साहेब, सी बख्त खान और डी राव तुलाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तात्या टोपे। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें नाना साहेब की, तो इनके बचपन का नाम था धोंडू पंत। देखिए, बख्त खान दिल्ली से मोर्चा संभाले हुए थे 1857 क्रांति में, और राव तुलाराम रेवाड़ी से मोर्चा संभाले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत के समय भारत का चीफ कमांडर कौन था? हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ 1857 रिवेलियन? ए लॉर्ड केनिंग, बी पैट्रिक ग्रांट, सी कॉलिन कैम्पबेल और डी जॉर्ज अनसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, तो अभी इसकी ही बारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज अनसन। आप ये सभी जानते ही हैं कि 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। उस समय भारत के कमांडर इन चीफ थे जॉर्ज अनसन, जिनका कार्यकाल रहा था जनवरी 1856 से मई 1857 में। 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये दिल्ली के विद्रोहियों को दबाने के लिए जा रहे थे, तो कोलेरा की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जून से अगस्त तक पैट्रिक ग्रांट को एक्टिंग चीफ इन कमांडर बनाया गया था। उसके बाद फिर आ गए थे अगस्त 1857 में कॉलिन कैंपवेल। तो प्रश्न ये बनता है कि शुरुआत में तो जॉर्ज अनसन थे और क्रांति के अंत हुआ उस समय कॉलिन कैंपवेल भारत के कमांडर इन चीफ थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी रचना है? ए माधवी वर्मा, बी अमृता प्रीतम, सी तोरू दत्त और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बचपन में ये कहानी आपने खूब पढ़ी होगी। तो दोस्तों, ये सेट वन था 1857 की क्रांति का। सेट सेकंड को भी देखना ना भूलें, वो भी जल्दी मिल जाएगा आपको। अब बारी है उस प्रश्न की जिसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाते समय पंजाब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? और दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या का केस किस वकील ने लड़ा था? ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, केबीसी में हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ दोस्तों का कहना है कि आपकी सारी वीडियो नहीं मिल रही हैं, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं, वहाँ पे सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।